ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? एंगेजमेंट हो गई, सभी लोगों को शादी के कार्ड भी बांट दिए गए, 4 दिन के बाद शादी है और तुम शादी से इनकार कर रहे हो? इस 1 महीने में तुम क्या क्या गुल खिला रहे थे? किसी लड़की से चक्कर चला रहे थे क्या? आप बेकार की बातें मत कीजिए, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, मुझे प्यार हुआ है। क्यों? अगर किसी से प्यार करना था तो मैथिली से करते ना, उसी से शादी होती। ये सब हमारे बस में नहीं होता डैडी, प्यार नाम की चीज कब कहाँ क्यों किससे हो जाए किसी को पता नहीं होता। अब तुम मुझे समझाओगे क्या? तुम्हारी उम्र पार करके ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ठीक है, तुम जिस लड़की से प्यार करते हो ना, किसी आर्य समाज में जाकर उसी के साथ शादी कर लो, उसके बाद मैं और तुम्हारी माँ मैथिली के माँ बाप के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग लेंगे, उसके बाद मेरा कोई बेटा नहीं है ये सोचकर रोते रहेंगे। मैं वो नौबत आने नहीं दूंगा। वो लड़की अब कहाँ है मुझे नहीं पता, गोवा में मैंने उसे देखा था, उसे ढूंढने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा डैडी। अरे मैं तुझे मारकर खुद भी मर जाऊंगा, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। पागलों जैसी बात मत कर तू, अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, उस लड़की को भूल जा और मैथिली से शादी कर ले। मेरी इज्जत, मेरे दोस्तों की इज्जत, मैथिली की जिंदगी, इन सबके सामने तेरी इस प्यार की कोई अहमियत नहीं है। अब अगर तूने शादी करने से इनकार किया ना, तो मेरी जलती हुई चिता के सामने उस लड़की के साथ साथ फेरे ले लेना। डैडी, ए, ये मत भूल कि तेरी भी एक बहन है, कल अगर उसके साथ भी ऐसा ही हुआ ना, तो सोच ले कि तुझे कैसा महसूस होगा। सुनो, सॉरी मैथिली, मैं इस शादी के लिए प्रिपेयर नहीं था। शादी से रिश्ते जरूर जुड़ते हैं, लेकिन 2 दिल नहीं जुड़ते हैं। देखो, जहां तक मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारा नाम मैथिली है, हाइट 5.6, एजुकेशन मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, गुड लुकिंग गर्ल फ्रॉम अ गुड फैमिली, इतना ही। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है। जहां तक मैं समझता हूँ, सुहागरात मतलब 2 जिस्मों का मेल नहीं, 2 दिलों का मेल होता है।
हम एक दूसरे को समझने के बाद ही पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। टिल देन गुड नाइट। अगर अपने कामेश की शादी हो गई ना तो अपनी प्रॉपर्टी बहुत कम हो जाएगी। अरे पहले ही आपके पास इतना कुछ है, अगर कुछ कम हो गया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? तुमको नहीं मुझे पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है स्टेटस कम हो जाएगी, उसके बाद मैं आम आदमी बन जाऊंगा। आप ये क्या कह रहे हो? मैं ही नहीं तुम भी यही कहोगी। मैं ऐसा कहूंगी क्यों? लास्ट मंथ होम मिनिस्टर की बीवी के बर्थडे पार्टी में हम लोग गए थे ना, गए थे कि नहीं? वहाँ पर तुमने देखा था ना कि एक शराबी आया था उसकी बेटी और उसकी बीवी के साथ, जिसने तुम्हें बाहों में लेकर आई लव यू कहा था। वो पागल? वो तो पूरा पागल था। वो और उसका पूरा खानदान पागल ही है। सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आप जैसा नहीं सोचती। मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा अपना बेटा ऐसा कुंवारा रहेगा, ये कैसे समझदारी? यही तो समझदारी है, तुम नहीं समझोगी। अगर मैं बिना सोचे समझे उसकी शादी कर दूं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सही कहा आपने। यस अरे बाप रे बाप, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरा बाप मेरी शादी को लेकर बहुत परेशान रहता है। तेरे फोटोशूट में कोई अच्छी मॉडल हो तो बताना भाई। तेरा बाप लाख कोशिश करेगा तब भी तेरी शादी नहीं होगी। और मेरे बाप ने नाक कहने पर भी इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरी शादी कराई है, हिसाब बराबर। चाहे कुछ भी हो, तेरी शादी तो हो गई है और तूने सुहागरात भी मना ली, अब काय का टेंशन है? अबे साले, घोड़े के सामने घास रख देने से वो जबरदस्ती खाएगा ऐसा जरूरी तो नहीं है। मतलब रात को इंटरेस्ट नहीं है बोलकर मैं सो गया। तू अपना फ्लैशबैक भूल जा और मैं तेरे के साथ अच्छा फ्यूचर प्लान कर। नहीं नहीं करते, ऐसे ही कंटिन्यू करता रहा तो जो तेरे पास है ना उसे भी हाथ धो बैठेगा तू। ए वहां पर एक मॉडल खड़ी है, देख जाके उसे पटा। मुझे तो ये मोटी पसंद आई है। बाद में मिलते हैं। यार क्यों मूड ऑफ करके बैठे हो? बचपन से ही मैथिली अपने माँ के प्यार से महरूम रहकर पली थी। मुझे और मैथिली को उसकी माँ हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। डर के मारे जागने पर उसे दिलासा देने वाली वो ममता मेरी बेटी से छिन गई। बिजनेस में बिजी रहने से मैथिली को मैंने हॉस्टल में भर्ती करवाया। मैंने एक बाप की जिम्मेदारी तो जरूर निभाई मगर उसे वो प्यार नहीं दे पाया। एक बाप हार गया। सॉरी माई चाइल्ड। डैड प्लीज ऐसा मत कहिए डैड प्लीज। लेकिन अब मुझे लगता है इस हारे हुए बाप ने अपनी बेटी का एक अच्छे घर में रिश्ता जोड़कर एक बाप होने का फर्ज निभाया है। देखो बेटी, आज से कभी मत सोचना कि तुम्हारी माँ नहीं है। जब भी माँ की याद आए मुझे फोन करना। दो दिन और रहकर जाइए ना सासू माँ। नहीं बेटी, तुम्हारे ससुर जी के कुछ कमिटमेंट्स हैं, इन्हें जाना ही होगा। और वैसे भी नए दूल्हा दुल्हन के बीच हमारा क्या काम? राज, हमारी बहू का अच्छे से ख्याल रखना। ओके डैड। वेरी गुड, कम ऑन लेट्स गो। चलता हूँ। बाय डैड।
तुम गिटार बहुत अच्छा बजा लेती हो। कॉफी? थैंक्स। सच में म्यूजिक पसंद आया या यूं ही कह रहे थे? सच में मुझे झूठ बोलने की जरूरत क्या है? रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए लोग झूठ भी बोलते हैं। रियली? मेरी दादी की बचपन की एक फेलियर लव स्टोरी थी, ये बात हमें उनके मरने के बाद पता चली, लेकिन उन्होंने अपनी लव स्टोरी को जिंदगी भर मन में दबा कर रखा और दादा के साथ जीवन बिताया। उन्होंने इसी को अपनी तकदीर माना। ये जानकर मुझे बहुत बुरा फील हुआ। झूठ की जिंदगी में कितनी अहमियत है ये मुझे तब पता चला। तुम्हारी दादी अगर तुम्हारे दादाजी को सच बोलती तो उनका रिलेशनशिप और बेहतर होता। एक झूठ जिंदगी को खूबसूरत जरूर बना सकता है, लेकिन असली खुशी सच्चाई में ही होती है, इसलिए मैं झूठ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। थैंक्स। तुम्हें खाना नहीं बनाना आता तो रेस्टोरेंट से मंगा सकती हो, नो प्रॉब्लम। कोई जरूरत नहीं, मुझे खाना पकाना आता है। तो ये सब क्या है? मिर्च नहीं, नमक नहीं, खाना एकदम फीका लग रहा है। मैंने जानबूझकर बनाया। तुम ही तो कहते हो ना कि एक दूसरे को अच्छी तरह समझने के लिए हम पति पत्नी की तरह तो रह सकते हैं, तो अब तो थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। अरे वाह वाह, क्यों रे कमेश, तेरी शादी की बात कहां तक पहुंची है? कल ही एक लड़की देखने गया था, मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। लड़की पसंद नहीं आई क्या? अरे बहुत पसंद आई यार, पटाका थी एकदम। तो पार्टी मालदार नहीं थी क्या? घर की इकलौती लड़की, सब कुछ उसी के नाम पर है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तू एक अच्छे डॉक्टर से जाकर मिलना। प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं, उसमें है। कहने लगी पहले माँ की शादी फिर मेरी, इसलिए मैं तुरंत वापस चला आया। उसकी माँ की शादी अपने बाप से करवा। अरे अच्छा आइडिया है यार का। मेरे बाप से शादी हो गई तो मेरे बाप को मिलेगी संपत्ति और मुझे मिलेगी राखी। कौन है यार ये बुलडोजर? हाय बेबी। ए काहे की बेबी? क्यों मैडम, चरने के बजाय खेलने आई हो? रोज खेलने कूदने से हाँ। कैटरीना जैसी फिगर होगी, ऐसा माने कहा? हाँ, तेरी माने कहा या उसकी माने कहा है? किसी को धक्का मार के गिराना मत, संभल कर। Okay.
राज, हम एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं ये जानने के लिए एक आइडिया बताओ। बताओ। अब 10 मिनट के अंदर तुम्हें जो चाहिए वो मैं खरीदूंगी और मुझे जो चाहिए वो तुम खरीदोगे, ओके? ओके। वो पाउडर, टूथपेस्ट, शैम्पू, रेजर एंड बॉडी वॉश, टूथब्रश एंड सोप्स। नॉट बैड। इतने कम टाइम में मुझे क्या-क्या चाहिए ये तुम सब समझ गई। एक दूसरे के बारे में जानना हो तो एक दूसरे को समझना पड़ता है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में अब तक कुछ भी नहीं जान पाया। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। बिल प्लीज। ओके। तुम फैशन फोटोग्राफर ही नहीं बल्कि मॉडल भी बन सकते हो। थैंक्स। कैन आई हैव योर ऑटोग्राफ प्लीज? या। एक्सक्यूज मी, आई एम हिज वाइफ, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। मैथिली, फैशन फील्ड में ये सब कॉमन है, डोंट वरी। राज, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर तुम किसी औरत को छूओगे तो मैं उसे भी मार डालूंगी और तुम्हें भी। हाय हाय हाय, यहाँ तो बहुत सारी तितलियाँ हैं। वक्त आने पर ना तितली खुद उड़कर तेरे पास आ जाएगी। हाँ, तू तो ऐसे ही कहेगा, उम्र ढल गई तो मक्खी भी नहीं मंडराएगी। लगता है तेरी बात सच होने वाली, तितली आ रही है। कामेश, जल्दबाजी मत करो। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। तुम लोग जाओ, जाकर एंजॉय करो, जाओ जाओ जाओ। हेलो, मेरा नाम कामेश है। कामिनी। कामेश, कामिनी, क्या कॉम्बिनेशन है। पर्स है क्या? मेरी जेब में पर्स भी है, पर्स में ढेर सारा कैश भी है, डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, लेकिन वो पर्स घर पे है। तो फिर अब तुम्हारे पास क्या है? राशन कार्ड। तो फिर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, राशन की दुकान में ही जाओ। है तो इतनी छोटी सी, बातें सुनो कितनी बड़ी बड़ी कर रही है। हेलो, इधर आ। क्या है? दिखता नहीं, धक्का मार कर जा रहा है। क्यों नहीं दिखता? बहुत अच्छा दिखता है। बी गाइस, लगता है बहुत चढ़ गई, पंगा लेना ठीक नहीं है। तुझे एक बात पता है? कौन सी बात? मुझे नहीं पता। जब नहीं पता तो छोड़ ना। ए, रुक। तेरी आंखें बहुत अच्छी है। भगवान की देन है, छोड़ ना। सन, अब क्या हुआ? तू भी बहुत मस्त है। लाइन मारना बंद कर, मैं तेरे टाइप का नहीं हूँ। एक काम कर, दो रॉड लेकर आ, एक दूसरे को मार के किस्सा ही खत्म कर देते हैं, चल जा। ओके। अरे बाप रे। बड़ी तेज थी, मुझे राशन दुकान भेज रही थी। काश मैं तुम्हारी बात सुनता। साला फिर टपक गया। सुन। हाँ। ये रॉड ले। ये तेरा रॉड है, लेकर आ गया। और ये मेरा रॉड है। पहले तू अपने रॉड से मेरा सर फोड़ दे, फिर मैं अपने रॉड से तेरा सर फोड़ दूंगा।
क्यों मेरे पीछे पड़ा है हाथ धोके? अरे साले तू ही तो मेरे पीछे पड़ा है। कहीं सच में तो नहीं मार देगा? कुछ करना पड़ेगा। अरे यार मैंने रॉड नहीं मंगवाया था। तो फिर? हम डोंगरी पाड़ा के रास्ते से जाते हैं तो बीच में झोपड़पट्टी पड़ती है ना, वहाँ एक भीम नाम का लोहार रहता है, इससे भी लंबे लंबे रॉड बनाता है, वहाँ से दो रॉड लेकर आओ फिर सर फोड़ेंगे। जाओ। अरे उसकी आंखें अच्छी है ना? अरे यार मेरी आंखें बहुत अच्छी है, अब जाना। अच्छा अच्छा जा। बाप रे। हे डूड, आज मैं पार्टी दूंगा, आज मेरी तरफ से आप लोग फुल एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड, कुछ खास बात है क्या? यस, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ। वाओ, बड़ी खुशी की बात है यार। थैंक यू। आपके कितने बच्चे अंकल? हेलो बॉस, मेरी शादी होकर 3 महीने हुए। तुम बहुत ही फास्ट हो गुरु। देखो बॉस, मैं इतना डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, जब कोई बात मुश्किल लगती है तो उसे जल्दी ही सॉल्व के साथ। यही प्रॉब्लम चल रही है क्या? राज, अबे बस स्टॉप इट। पर हाथ उठा रहा है। राज छोड़ो, लेट्स गो फॉर मी। राज कम ऑन, क्या करो? राज पर हाथ उठा रहा है। डैडी जो मुंह में है बके जा रहा था। अरे वो कोई आदमी थोड़ी है, जानवर है वो। जानवर जाने दो ना राज, उसकी सोच अलग है। तुम बेकार में क्या हो गया? उसे सपोर्ट कर रही हो, वो सही कह रहा था क्या? राज, आई डिडंट मीन लाइक दैट। ओके, व्हाट डिड यू मीन? उसके हिसाब से रहना चाहिए क्या? ओके अगर तुम्हें यही पसंद है तो आज से वैसे ही रहते हैं। आओ राज। राज, तुम्हारी लव स्टोरी है। ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे कबर्ड में मुझे एक फोटो मिली, किसी खूबसूरत लड़की। ए, दो मुझे मैथिली। मैथिली, come on मैथिली, it's not fair, please show it to me. Oh, then it's okay, ये लो। Don't do like this मैथिली। मैथिली, नहीं दोगी? मैथिली मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो मैथिली। मैथिली दो, दो मुझे। मैथिली, नहीं दूंगी। Give it to me, give it to me. नहीं दूंगी। Come on. Hey. Come on मैथिली. नहीं दूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो? Hey. मैथिली. पकड़ो. कहाँ जा रही हो? मैथिली, come on. ये लो. Stop. अब कहाँ जाओगी तुम? मैथिली, मैथिली, नहीं दूंगी। तो मुझे दो, नहीं दूंगी। दो ना, नहीं दो। Come on. ये क्या है? किसकी फोटो है? Your wife. मैं हूँ। तुमसे प्यार करने के लिए पैदा हुई हूँ। तुम्हारी लाइफ पार्टनर। यू नो राज, शादी के बाद फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ। ये खुशी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हे कम ऑन मैथिली, अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। टच वुड, होप सो। ओ बाय द वे, मैं तो भूल ही गई थी, होटल में डेलीगेट्स के लिए कोई गिफ्ट लेकर चलते हैं। सो ऑन द वे किसी अच्छे से मॉल में चलते हैं। यस मैम। सो स्वीट। अरे आगे देखो। आर यू मैड? यू आर सो कूल। कांग्रेट्स, यू विल गेट 50,000 pounds आउट ऑफ दिस डील। राज, बहुत अच्छी डील है, मान भी जाओ ना। या लंदन जाओगे? आई नो। या थैंक्स सो मच फॉर द ऑफर, आई अप्रिशिएट इट। गिव मी अ सेकंड। कैरी ऑन। डैडी को फोन करके आता हूं। Damn it. Excuse me. One second. मैंने कहा ना तुम्हें पसंद नहीं करती तो क्यों?
भैया राज, हाँ वो लोग वेट कर रहे हैं, चलो ना। मोबाइल पर सिग्नल नहीं मिल रहा था इसलिए फोन करने यहाँ। अच्छा ओके कम। राज, वन वीक तुमसे दूर रहने का मतलब मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल है। I'll miss you. Don't worry, मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। See you then. Bye. Bye. बेचारी बचाओ बचाओ कह रही तो बचाना चाहिए ना। उस लड़की को देखकर डिसाइड मत कर बेटा। हाँ, उसके पीछे कितने गुंडे ये देखकर डिसाइड कर। हाँ, हाँ। ए, कम से कम तू तो जाके बचा। इतना हट्टा खट्टा होने का फिर क्या फायदा है? किसी को बचाने के लिए इंसानियत नाम की चीज होनी चाहिए। अच्छा? हाँ। रुक, रुक।
वो रॉड उठा और इसका सर फोड़। देख क्या रही है, जल्दी कर। अरे जल्दी कर। तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती क्या? मैंने तुम्हें रॉड उठाकर उस गुंडे का सर फोड़ने के लिए कहा और तुम चुपचाप खड़ी थी। मैं और क्या करती, तुम हीरो की तरह एकदम हीरोगिरी दिखाने आ गए थे, मैं बीच में क्यों पड़ू ये सोच के चुप रही। अच्छा, इस वक्त आधी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही थी? फिल्म देखकर आ रही हो या पार्टी से? उन लोगों को तुमसे क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? ऐसा क्या किया है तुमने? तुम में थोड़ी भी कॉमन सेंस है क्या? मुझे बचाया इसलिए सवाल पे सवाल करोगे? हाँ यार, बेचारी से सवाल। सब तेरी वजह से हुआ। सुबह सुबह गोवा जाना कह रहा था, बीच में इस लड़की की जान बचाने के लिए बोला। तू क्या बोला था? किसी को बचाने के लिए अपने दिल में इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत इस लड़की के दिल में नहीं है। थैंक्स तक नहीं कहा। हाँ हाँ मैडम, इनसे कहो कि मुझे लिफ्ट दे, फिर तीनों चीजों के लिए एक साथ थैंक्स कह दूंगी। हाँ यार, लिफ्ट दे दे फिर थैंक्स। इसका थैंक्स तू अपने पास रख, और लिफ्ट भी देना है तो खुद ही दे दे। अरे हेलो मिस्टर, राज सुन तो। अरे भाई, अरे मैडम, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इन्हें अपनी साइकिल पर घर छोड़ दूं क्या? तो तू इन्हें घर छोड़ेगा? हाँ। अपनी गाड़ी के पास खड़े होकर हाँ। लोगों को पानी पूरी और रगड़ा खिला, समझा? बड़ा आया घर छोड़ने। भाग यहाँ से, भाग, भाग, अभी लेके जाओ। आइए मैडम, मैं छोड़ देता हूँ। वैसे आपको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है क्या? हाँ थोड़ा बहुत। तो फिर गोवा आएंगी क्या? हेलो, लड़की आ गई क्या? उसने लंच किया क्या? वो वहाँ से निकल गई? अरे जल्दी से चल। कौन है वो लड़की? कौन है क्या पूछ रहा है? कल रात को इंटरेस्टिंग प्रोफाइल मेरे हाथ लगी, वो देखकर मैं शॉक हो गया, तू भी पागल हो जाएगा। कहाँ है वो? कहाँ है मतलब? वो उधर देख, उधर देख, अप्सरा आ रही है। अच्छी है ना, कहीं मिले ऐसा लग रहा है ना, है ना? ओह मैडम, आइए 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 आइए, संभल कर। हाँ उतर जाइए, उतरिए। मैं अभी इसी सुपर मॉडल की बात कर रहा था। ये कोई सुपर मॉडल नहीं है, घमंडी घोड़ी है। और तुम लंगूर हो। तुम जंगली छिपकली हो। और तुम जंगली कबूतर हो। कोई इंसान हेल्प करे तो उसे थैंक्स कहने की तमीज होनी चाहिए। वैसे उस इंसान में गुण भी होने चाहिए। इसका मुँह देख, बीच पर बिकिनी चुराने वाली चोरनी लगती है। और इसका मुंह देखो, गोवा में चने बेचने वाला लगता है या नहीं? तू इससे मॉडलिंग करवाएगा ना तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर इससे शूट करवाओगे तो तुम्हें अपने कपड़े फाड़कर भीख मांगना पड़ेगा। चल भाग, तरबूज कहीं की। चल भाग, कद्दू कहीं का। अरे यार बस भी करो, एक छत्रपति शिवाजी है तो दूसरी झांसी की रानी है। जो रात को हुआ उसे भूल जाओ और काम शुरू करो। चलो फोटो ठीक तो निकाले हैं ना, या फिर मुंबई के किसी अच्छे फोटोग्राफर को बुलाना पड़ेगा? तुम ही से कह रही हो, बोलते क्यों नहीं? मुझ पर गुस्सा हो इसलिए मेरी फोटो का पूरा सत्यानाश करके मेरे पेट पे लात मारना चाहते हो क्या? चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आ जाए, एक बार जो मेरे कैमरे के सामने आ जाता है मुझे बस उसकी खूबसूरती दिखाई देती है। ओहो,
मतलब प्रोफेशनल हो। ये देखो। वाव, आज तक किसी ने भी मेरी फोटो इतनी अच्छी नहीं निकाली। आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। फ्रेंड्स, हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, आई हैव कम टू टॉक विद यू अगेन। आह वाह। हे, आर यू रिलैक्सिंग? No, I'm Kamesh, Mr. Kamesh. Wow. Hey, are you relaxing? Hey, Kamesh naam bola to bhi relaxing bol raha hai. Chal bhag. Are you mad? Mad hoga tera baap. Sala firangi kahin ka. Sale pehle bhi pareshan karte the, abhi bhi pareshan kar rahe hain. Ah. Hi, are you relaxing? अरे तेरी जात का मैं कामेश हूँ साले, मिस्टर कामेश, कहीं जाकर मरते क्यों नहीं साले, आराम भी नहीं करने दे रहे। आर यू रिलैक्सिंग? बियर? या आई एम रिलैक्सिंग। अबे तेरी जात का, यहाँ कपड़े उतार कर बियर पीकर तू आराम फरमा रहा है और तेरी बिरादरी के लोग मुझे परेशान कर रहे हैं साले। तो मैं क्या कह रहा था? लाइटर प्लीज। हाँ हाँ, लाइटर। थैंक यू। सो हाउ इज इंडिया? हाउ डू यू लाइक इंडियन? ओह, इंडिया इज गुड, बट आई हैवंट सीन इंडियन। व्हाट? यू हैवंट सीन इंडियंस? व्हेन आई गो टू पंजाब, पंजाबी, बिहार, बिहारी, तमिलनाडु, तमिलियंस, केरला, मलयालम, आंध्र, तेलुगु। ओके बाय तेलुगु पीपल। बाप रे बाप, लाइटर के लिए इतना बड़ा भाषण देकर चला गया? अभी समझ में आया फिरंगियों ने इतने साल हम पे राज क्यों किया। अच्छा छोड़ो, इससे पहले कि अपना मूड खराब हो, चलो चलकर जरा रिफ्रेश होते हैं। रिफ्रेशमेंट? हाँ। रिफ्रेशमेंट नहीं, हम कोई बेट लगाएं क्या? ओके, मैं बिना पैसे के वाइन बॉटल लेकर आता हूँ, तुम ग्लास लेकर आ सकती हो क्या? क्या बात कर रहा है यार, फिगर देखकर समझ में नहीं आता। अगर ये चाहे तो ग्लास व्लास चटाई वटाई हंडे वंडे सब लेकर आ सकती, कोई मना नहीं करेगा। लाटअप करना शुरू कर देंगे। डन डन। वेट, मैं अभी आता हूं। ए, एक्सक्यूज मी सर। यस, व्हाट यू वांट? वहां वो लड़की दिख रही है? दरअसल बात यह है कि हम एक दूसरे से काफी दिनों से प्यार करते आ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से हम दोनों को अलग होना पड़ रहा है और आज के बाद हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। ओह, सो सैड। इसलिए आखिरी बार एक बार साथ बैठकर वाइन पीने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, घर में पर्स भूल कर आ गया। बट इफ यू गिव मी योर अकाउंट नंबर आई विल ट्रांसफर द मनी, आई एम अ मैन ऑन माय वर्ड्स। ठीक है, कोई बात नहीं। स्टेला, प्लीज कम। यस। यही इस होटल की मालिक है, शी इज माय वाइफ। हाय। मैं भी एक दिन आपकी तरह एक लड़की को पार्टी देना चाह रहा था, तब मेरे पास भी पैसे नहीं थे। मैंने इससे हेल्प करने के लिए कहा, इसने किया, और फिर पैसे लौटाने के प्रोसेस में ये मेरी वाइफ बन गई। ओह, नाइस स्टोरी। वन सेकेंड, दिस इज फॉर यू, हैव अ वंडरफुल टाइम। ओह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्टेला, जाओ काम करो। वाइन नहीं लेकर आया हूँ, अब तुम्हारा टर्न है, जाओ ग्लास लेकर आओ। मुझे डर लग रहा है। बेट इज अ बेट, यू हैव टू गो। गो। ओके। मैडम, ऑर्डर प्लीज। कैन यू गिव मी सम टाइम? ओह, वेटिंग फॉर बॉयफ्रेंड? या। ओके। हे वेटर, वेटर, लुक देयर, गो गो। हे यू, शो मी योर बैग। देयर इज नथिंग इन माय बैग। शो मी योर बैग। What? I glasses? Don't know. Glass chura rahi thi? I really don't know how it comes in my bag. She's thief, sir. No, I'm not a thief. Call the police. Please don't call police. Hello. No. Don't touch my bag. I'm not a thief. No, what? No, call police. Please let hey, me go. Stop it.
सॉरी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड हर। मैं नहीं करता इनसे ऐसा करने के लिए। आई हैव फॉरगॉट माय वॉलेट इन होटल, सो दैट्स व्हाई। ये सब इन्होंने मेरे लिए किया। इट्स ऑल माय फॉल्ट, इट्स ऑल माय फॉल्ट। ओके, जस्ट टेक योर सीट, सॉरी फॉर दिस। खुद ही आ जाऊंगी। मैंने कहा ना मैं खुद ही आ जाऊंगी। ओके बाय। हे प्रिया। हाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। सेंट एंड्रयूज चर्च के पास 4 बजे आकर मिलना। हे, थोड़ी देर रुक कर जाओ ना। आई एम रियली सॉरी राज, आई विल सी यू देयर, बाय। आजकल ये सब कॉमन हो गया यार। वो लड़की कौन है, कहाँ चल गई पता नहीं, बिना बताए अचानक गायब हो गई। बेकार में उसके बारे में सोचकर अपना वक्त और जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। तेरे लिए तेरे पापा की पसंद मैथिली ही सही है, वो तेरे पेरेंट्स की विश है, तेरे फ्रेंड्स की विश है, भगवान की भी, मैथिली ही तेरे लिए बेस्ट है। एक्सक्यूज मी, मेरी फ्रेंड प्रिया रूम 420 में ठहरी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो अपने रूम में दिखाई नहीं दे रही है। वो कब आती है कुछ पता है आपको? पता नहीं, वी कैन एक्सपेक्ट हर एनी टाइम।
हेलो राज। हाँ मैथिली। राज आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। इतना हाफ क्यों रहे हो? नहीं बस ऐसे ही। जिम में हो क्या? और इस वक्त? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, वहाँ सुबह हुई होगी ना। ओके तुम फ्रेश होके फोन करना। मैथिली सुनो तो सही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बोलो। कैसे बताऊं तुम्हें? ठीक है, पहले जिस काम के लिए गए हो उसमें कामयाब हो जाओ, फिर मुझे आके बताना। मैं तुम्हें एक प्यारे से झप्पे दूंगी। बाय राज। एक हफ्ते का टाइम देता हूं, मान गए तो खुशी से शादी करेंगे। अगर नहीं मानी तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। ये तू गलत कर रहा है राज। मैथिली तेरा आज है और प्रिया तेरा कल थी। अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। तेरे लिए तेरी पत्नी, तेरा घर, तेरा करियर सब कुछ यही है, बाकी सब बकवास है। प्रिया के चले जाने के बाद मैंने भी ऐसे ही सोचा था, लेकिन उसे देखने के बाद उसे बार बार मिलने का मन कर रहा है। गोवा में वो मुझे अचानक क्यों छोड़कर चले गए ये मुझे उसे पूछना है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट, वो जरूर किसी प्रॉब्लम में फंसी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन वो कहाँ है वो पहले जानना होगा। मेरे पास उसकी फोटो है, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करें। कंप्लेंट वगैरह करने से बात और भी बिगड़ सकती है। अरे आइडिया है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। लास्ट टाइम ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी तो मैंने उस केस को प्राइवेट डिटेक्टिव को सौंपा था, उसने एक ही दिन में चोर को पकड़ लिया था। हम उसके पास चलते हैं। कौन है वो? रीता, रीता आखिर तुम हो कहाँ? 25, 26। रीता मैं तुमसे कह रहा हूँ, वहाँ नीचे क्या कर रही हो, क्या गिन रही हो? मैं आपके गिरे मूंगफली के दाने उठा रही हूँ सर। 31। मूंगफली के दाने उठा रही हूँ? सारे दाने उठा लिए सर। हाँ। इस डस्टबिन में डाल दो। ओके सर। ए, यहाँ क्यों रख रही हो? आप मुंह में डालने जाते हैं तो सब नीचे गिरते हैं ना। तुम कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं। सर एक आइडिया है। क्या? ये मूंगफली के दाने छोटे हैं इसलिए ठीक से मुंह में नहीं गिरते है? लेकिन एप्पल का साइज बड़ा है, आसानी से मुंह में जाएगा। हाँ। तो एक काम करो, अपने मार्केट में जाकर तरबूज लेकर आओ, वो और भी आसानी से जाएगा। ओके सर, वंडरफुल आइडिया। हेलो सर, मेरा नाम अक्षय है। अक्षय कुमार या अक्षय खन्ना? मामूली अक्षय सर। ओ कहिए, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। हेल्प तो मैं जरूर करूंगा, वही तो मेरा काम है, लेकिन उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा। दूंगा ना सर, आपकी हेल्प के लिए मुझे पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। आपकी हेल्प करने के बाद मैं अगर आपको पेमेंट नहीं दूंगा तो आपकी हेल्प नहीं होगी। उसी तरह अगर आप हेल्प नहीं करेंगे और मैं पेमेंट दे दूंगा तो वो मेरी हेल्प नहीं होगी। अगर आप हेल्प करेंगे और मैं भी पेमेंट कर दूंगा तो ये दोनों की हेल्प होगी। कहिए मैं क्या मदद करूँ? खो गया सर। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? वही जो दिखाई नहीं दे रहा। वही क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मैंने जो आपसे अभी कहा ना, वही दिखाई नहीं दे रहा है सर। ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं दे रहा है? अभी जो आपने पूछा ना, वही तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है ना सर। ओह तो आप फिर वही आ गए। अब देखिए ना, आप मेरे पास आए हैं ना। आया हूँ। किस लिए आए हैं? मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरा वो दिखाई नहीं दे रहा है, यही बताने के लिए। अरे वही क्या नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई? अगर दिखाई देने वाली चीज कहीं दिखाई नहीं देती है, इसका दुख कितना होता है आपको क्या पता सर? आखिर क्या देखना है, क्यों देखना है, इतना देखने की जरूरत क्या है मेरे भाई? आपका वो आपको दिखाई दे रहा है इसलिए आप उसे ढूंढ नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आप मुझे मेरा वो ढूंढ कर देंगे, इसी उम्मीद से आपके पास आया हूँ। अरे तेरी माँ की साकी नाका, तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा है? मैं तुझे भगवान, ये तू यहाँ है? तीन दिन से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। आप कौन? Glad to meet you. I am Dr. MK. अरे बाप, मेंटल डॉक्टर। अरे बाप, इतनी देर से मैं कह रहा था ना मेरा वो दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे वो मिल गया। इस हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पेमेंट दो, पेमेंट दो। ये पेमेंट है डैडी।
डैडी क्या बोल रहा है? तू मेरा पेशेंट है। अरे तुझे पैदा किसने किया? किसने किया? अरे क्या कर रहे हो साला? अभी डैडी बोल रहा है, बाद में डार्लिंग बोलने लगेगा। डार्लिंग अरे अरे पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेके चलो लेके चलो लेके चलो लेके चलो इसे। बाप रे पागल। बॉस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प करूं क्या? एप्पल क्या कहा? अलमारी ढूंढनी है? अब फोन किया तो फोन में ही मारूंगा, चल रख। हेलो, मैंने कहा था ना चिट्टी बाबू यही मिलेगा। एक्सक्यूज मी, डिटेक्टिव चिट्टी बाबू? हाँ वही डिटेक्टिव चिट्टी बाबू, वो हमें दिखाई नहीं दिया। क्या क्या आपको भी दिखाई नहीं देता? मतलब ये जो दिखाई नहीं देता उसे आप जेट से ढूंढ लेते हैं। नो नो नो, आई वांट फोटोग्राफ्स, ऑल डिटेल्स, ऑल डिटेल्स। अरे इसी तरह हाथ से निकल गई सर। ये रही उस लड़की का नाम है प्रिया। वहीं खड़े रहो। उसका नाम है प्रिया, मेरे दोस्त की लवर है, उसे ढूंढना है। मुझे बस प्रिया चाहिए, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा खर्च। अरे तू पैसे की बात मत कर, मैं कहता हूँ ना हम 3 लाख देंगे। ओके तो फिर आज से आपकी लवर मेरी लवर होगी। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, आपकी लवर का केस मैं ही सॉल्व करूंगा। अरे वाह, इन्होंने कह दिया तो केस जरूर सॉल्व होगा। अच्छा अब हम चलते हैं। थैंक यू सर, बाय बाय। 3 लाख? कौन है? कैश दे रहे क्या? नहीं वो बात नहीं, मेरे लिए किसी को ढूंढना है, 5 लाख दूंगा। फोटो? फोटो नहीं है, इस लड़की की तरह उस लड़की के भी 2 आँखें, 2 कान, 2 होंठ और 2 हाथ है। ऐसी सुंदर लड़की चाहिए, शादी करनी है, ढूंढ के दीजिए ना। मुझे ही अभी तक नहीं मिली तो तुझे कहाँ से ढूंढ कर दूँ? ओह मैं एक डिटेक्टिव हूँ, मैरिज करवाने वाला ब्रोकर नहीं हूँ। अच्छा इस मैडम की शादी हुई है या फिर? जाओ। ए भाई ऐसे कोई ब्रेक मारता है क्या? एक्सीडेंट हो जाता तो? पेट्रोल खत्म हो गया तो? अरे निकलने के पहले चेक करना चाहिए ना पेट्रोल है या नहीं है। पता है ना गाड़ी आती जाती रहती है, अचानक गाड़ी हो रही है। क्या जी क्या कर रहे हैं? चलना छोड़ना उसे, देर हो जाएगी, जल्दी चल। हाँ बोल, तूने कहा था राज लंदन गया है, वो तो यहाँ पर है। क्या? नो वे, राज लंदन में ही है, अपने काम में बिजी है, तूने किसी और को देखा होगा। नहीं यार चेक करके देख ले, श्योर मैंने उसे कामेश की कार में देखा है। डोंट बी सिली यार, फोन रख। आ मैं हूँ ना, तू खा, शायद पेपर वाला होगा। हाय कामेश। नमस्ते, वेलकम, सलाम, तुम यहाँ? क्या खा रहे हो? वो पिज़्ज़ा, बर्गर, वो क्या कहते हैं उसे? हाँ दाल चावल खा रहा हूँ। तुम घर में अकेले हो क्या? हाँ अकेला ही हूँ। फिर ये 2 प्लेट्स क्यों? अगर मेरी शादी हो जाती तो खुशी से अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाता, इसलिए 2 प्लेट में खाना परोस कर उसके प्लेट से 1 निवाला मेरी प्लेट से 1 निवाला लेकर खुद ही खा रहा था। उसकी माँ की कसम सच्ची अकेला खा रहा था। कोई बात नहीं, दुखी मत होना। हाँ। अगर तुम दुखी होगी तो राज भी दुखी हो जाएगा। राज कहाँ है, किधर है? राज तो यहाँ नहीं है ना? हाँ बिल्कुल वो यहाँ नहीं है, वो तो लंदन गया है ना। हाँ। तभी तो उसकी पत्नी होने के नाते, तुम्हारी बहन होने के नाते तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आई हूँ। इस साले राज के चक्कर में मैं बेकार में बलि का बकरा बन रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? वही, मेरी बहन मेरे लिए रिश्ता लेकर आई है ये सोचकर खुश हो रहा हूँ। दिखाओ बहन, दिखाओ फोटो, दिखाओ ना। इस लड़की का नाम इलीना है, गोवा में रहती है। इस लड़की का नाम नैनतारा, केरला की रहने वाली। इसका नाम अनुष्का, बैंगलोर में रहती है। अच्छी है ना? सुनो बहना, मेरे लिए कोई मेरे लेवल की लड़की देखो, और अगर नहीं है तो इन्हें डस्टबिन में फेंको। तो इन्हें देखो। ये कहाँ से ले आई, लगता है इसे शक हो गया। बहना, ये डोर बिल्कुल मत खोलना। क्यों, इसमें चंद्रमुखी है क्या? नहीं उसकी बहन मंजुलिका है। अरे इसमें किसी को फाइनल करके जल्दी से फोन कर लेते हैं ना, चलो चलो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे बाप रे, रुको बहना,
इधर तो कोई नहीं है। यस या कोई नहीं है। क्या बात है, मैं जब से आई हूँ तुम टेंशन में दिख रहे हो। शादी के लिए तुम कितनी सारी लड़कियों की फोटो लाई हो ना, इन्हें देखकर टेंशन हो रही है। नर्वस भी लग रहे हो। ये इसके अंदर ये क्वालिटीज भी है। ठीक है, तुम्हें इनमें से एक पसंद आ गई है, ये राज को बता दो। मुझे नहीं बात करनी है, वो अपने किसी काम में बिजी होगा, मुझे नहीं करनी, तुम बात करो। हेलो। हेलो मैथिली। हेलो राज। मैथिली। हेलो राज, आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शायद सिग्नल नहीं मिल रहा है। राज, लैंडलाइन से फोन करो। ठीक है मैथिली। Yeah, what can I do for you? Hello, this is Mr. Raj. I'm booked into room 130 at your hotel. I'm not able to make an international call to India. Can you connect me to this number, please? Okay, tell me. Yeah. It's 98480-11112. Sure, just hold for a while. Hello, your call got connected. You can talk now. इतनी सारी लड़कियां हैं, मैं सोचकर बताऊंगा, तुम अभी जाओ बहन। ही, लंदन से कॉल है। लंदन से कॉल है। हेलो राज। हाय मैथिली, हाउ आर यू? आई मिस यू। आई मिस यू टू। तुम्हारे फ्रेंड कामेश के लिए मैं अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। ओके ओके। मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो फिर रखती हूँ, फोन करना। बाय बाय, सी यू सून। लंदन से कॉल था। चलती हूँ कामेश। कामेश, देखा मैंने कैसे मैनेज किया, आइडिया हो तो ऐसा होना चाहिए। कमिश, ए, ए, लगता है कोई जबरदस्त झटका लगा है। अरे अरे, मैं जो भी केस हाथ में लेता हूं वो फटाफट निपटा देता हूँ। रीता, yes? तुम जल्दी से प्रिया को टकाटक लेकर आओ। ओके बॉस। ठीक है, मैं भी आता हूँ। मैंने कहा था ना, झट से उसे ढूंढ निकालेंगे। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, जो भी काम हाथ में लेते हैं चैन। ये लड़की इसकी लवर नहीं है भाई। क्यों सर, ऐसे कोई रिश्ता तोड़ता है क्या? चलिए उस लड़की को गले मिलिए और घर ले जाकर। ये लड़की प्रिया नहीं है सर। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। और आप किसे ढूंढ रहे हैं? प्रिया। तो फिर आप दोनों मिल गए ना। प्रिया तो प्रिया ही है ना। तू मुझे बोलने दे। मैं जो भी केस हाथ में लेता हूँ उसमें डॉल्बी डीटीएस, ग्राफिक्स, विजुअल्स, ओवरलैपिंग, कितने सारे। प्रिया नहीं है बोला तो समझ में नहीं आता क्या? आइंदा ऐसी गलती की तो मुंह तोड़ कर रख दूंगा। सुन रे, अगली बार सही लड़की ढूंढ कर नहीं लाना तो फिर पड़ेगी। हट। ये लड़की ओरिजिनल नहीं है क्या? सॉरी सर, एक मिस्टेक हो गई। क्या हुआ? फाइल में जो फोटो था वो बदल गया, ये लड़की वो प्रिया नहीं है। ये बात उनके सामने बोलना था। मैं उस वक्त खुजाकर आपको इशारा तो कर रही थी। कर इशारा कर रही थी तो आपको क्या लगा सर? मुझे लगा कि कोई और बात होगी। मैं फ्री हूँ, मैं खुजाऊं क्या? आओ खुजाओ। खुजाओगी? आओ आओ। ए, चल यहाँ से। ए, बड़ी खुजाने वाली खुजा रही थी तेरी, चल जा यहाँ से। उसने क्या कहा तुमने नहीं सुना? फिर भी तुम उसका साइड ले रही हो। उसने जो कहा वो ठीक है, बोलो बोलो। पहले मुझे ये बताओ, तुम उसकी शादी क्यों नहीं करवाते? हर लड़की में ऐप ढूंढते रहते हो। ये तुम क्या कह रही हो? प्रिया क्या कर रहा है? अब देख, आज नहीं तो कल प्रिया तो मिली जाएगी, तब तुम मैथिली से क्या कहोगे और उस प्रिया से अपनी पत्नी के बारे में क्या कहोगे? कुछ सोचा है तुमने? फिलहाल तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, बस प्रिया मिल जाए तो बहुत है। गुड नाइट। प्रिया, अरे ऐसे सिचुएशन में नींद कैसे आती है भाई तुझे? तेरी वजह से मेरा जीना हराम हो गया है, साली बोतल भी खाली हो गई। यहाँ भी दो दो है।
प्रिया मैथिली यही सॉल्यूशन है लीव मी अलोन चले जाओ यहाँ से गो ओ तो लड़की यहाँ है रीता रीता सर रीता प्रिया मिल गई कौन से प्रिया सर सुप्रिया या हरी प्रिया राज की लवर प्रिया सर अब बहुत ही इंटेलिजेंट है वो तो मैं हूँ सर वो यहाँ है आपको कैसे पता चला लोकेशन अच्छा लगा इसलिए मैं थोड़ा इसके लिए गया छोड़ते समय मेरी नजर ऊपर गई और प्रिया दिखी अब हमें क्या करना चाहिए आप जो काम अधूरा छोड़ा है पहले उसे पूरा कीजिए तू नहीं सुधरेगी अर्जेंट में राज को फोन कर ओके सॉरी अभी करती हूँ राज हाँ राज वन सेकेंड क्या कहना है सर तेरी आइटम मिल गई बता दे ओके तेरी आइटम मिल गई है तुम्हारी लवर प्रिया मिल गई है बता दे ओके सर हाँ राज आपकी लवर प्रिया मिल गई हाँ ठीक कहा ना सर ओके इतने दिनों से हम जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं हाँ? वो मुझे ही क्यों मिली बताओ वो तो आप ही बता सकते हैं ना मुझे क्या पता सर नहीं पता तो जल्दी बनाओ सर प्रिया कहाँ है उस बिल्डिंग में आओ 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 राज तुम वहां जाओ मैं यहाँ देखता हूँ तू रुक उसको ऊपर जा बोला तो तू भी जाएगी क्या तेरी तो चल इधर आ बॉस 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 सॉरी बॉस अगर तुम इनकी साइड में हो या मेरी साइड में साइड में हूँ बॉस पक्का ना पक्का पक्का हे लाठी दे ये लो हाँ अब आ जाओ तू कब आया अभी क्यों आया मेरा दोस्त 10 दिनों के प्यार के खातिर अपनी जान पे खेल सकता है तो 10 साल की दोस्ती के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता क्या भैया ये लाइन कुछ दिल को छूने जैसी है ना मस्त बोले एक बार और बोलो ना भाई हाँ बोलो मेरा दोस्त 10 दिनों के प्यार के खातिर अपनी जान पे खेल सकता है तो 10 साल की दोस्ती के लिए मैं रिस्क नहीं ले सकता क्या भैया क्या बात है भाई क्या डायलॉग मारा एक बार और मारिए ना भाई दो बार बोला तेरी समझ में नहीं आया चल चल वहाँ चलते हैं जाओ बॉस बॉस आप जितने ग्रेट हैं उतने ऊपर पहुँच गए तारीफ करना बंद कर और जल्दी से मेन ऑफ कर अरे छोड़ अपने बॉस को वहीं रहने दे हम लोग अपने बारे में सोचते हैं मैं नाम कर चले मैं नीचे आ गया तो तुझे ऊपर कर दूंगा अरे क्या कर रहे हो अरे अरे आओ हम दोनों मम्मी डैडी खेलते हैं ना तेरी जात का क्यों वे तुझे मेरी सेक्रेटरी चाहिए साले ये ले और तू यहाँ क्या कर रही है चल चल यहाँ से चल चल अब फटफड़ाते रहना राज देखो तुम बहुत थक गई हो तुम्हें रेस्ट की जरूरत है मैं बाद में आता हूं बाय
हेलो हेलो मैथिली। आप कौन? मैं कौन हूँ इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। कामेश तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारा पति राज लंदन जा रहा है, तुमसे झूठ बोला है। वो अपनी माशुका के लिए अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। उसके साथ इसी शहर में मजे कर रहा है। कौन हो तुम? Who the hell is this? मैं कौन हूँ यह जानने में वक्त बर्बाद मत करो। अपनी बर्बाद होती हुई जिंदगी के बारे में सोचो। उस धोखेबाज के साथ तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा ये सोचो। अगर यकीन ना हो तो राज जिस एयरवे से जाने वाला था उन्हें फोन करो। लंदन में जहाँ रहने वाला था उस होटल में फोन करो। जब तुम्हारा धोखेबाज पति घर आ जाएगा तो उसका कॉलर पकड़ के उसे सच्चाई पूछना। ऑल द बेस्ट माई डियर। हेलो। Is this the Western Hotel London? Yes. What can I do for you? Hi. I just need to know something. Last May 25th. Can you please confirm a person called Mr. Raj stayed with you? Just a minute. No, ma'am. He was supposed to... What? Yes. He was supposed to come, but didn't come. Thank you. Hello. Namaste. Travel and Land speaking. Hi. I just need a small information. Last May 24th. British Airways, Hyderabad to London. Can you please confirm a passenger called Raj? Please stay on the line, madam. Mr. Raj ke naam pe ticket book hua tha, par unhone travel nahi kiya, madam. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना मैथिली? क्यों? नहीं कुछ नहीं, मेरा सफर कैसा रहा पूछा नहीं तुमने। सफर करके आते तो पूछती ना। वो लड़की कौन है? प्रिया मॉडल है। मेरा तुम्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था मैथिली। मैंने सोचा था जब तक मैं प्रिया के ख्यालों से बाहर नहीं आ जाता इस बात को तुमसे छुपा कर रखूंगा। मेरा यकीन करो मैथिली। क्या मुंह लेकर मेरे सामने आए हो? मेरी बात सुनो मैथिली प्लीज। हाय प्रिया,
तुम्हारे प्लान के मुताबिक मैंने मैथिली को फोन करके तुम्हारे और राज के बारे में सब कुछ बता दिया है। अब दोनों लड़कर अलग हो जाएंगे और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। हाँ, अब जल्दी से राज से पीछा छुड़ा लो, फिर हम दोनों खुशी से गोवा जाकर सेटल हो जाएंगे। ओके ना? रखता हूँ। राज? जेम्स का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? जेम्स मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैथिली के साथ मेरा क्या रिश्ता है। बचपन में हम एक ही स्कूल में, एक ही हॉस्टल में पढ़ते थे। मैथिली हर चीज में फर्स्ट रहती थी, स्कूल में प्रेयर भी वही करती थी। Come on girls, चलो जल्दी रेडी हो जाओ। मैथिली, उन तीनों प्राइज में से तुम्हें कौन सा प्राइज चाहिए? फर्स्ट प्राइज टेडी बियर चाहिए। प्रिया, इन तीनों प्राइज में तुम्हें कौन सा प्राइज चाहिए? फर्स्ट प्राइज टेडी बियर चाहिए। Ready, go! खेल में, पढ़ाई में, संगीत में, हर चीज में मुझे मैथिली से हार जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। Come on girls, get up. This is wake up time. Come fast. Good morning, sir. Good morning. Come quick. चलो जल्दी तैयार हो जाओ। My teddy bear. मैथिली, स्टैंड अप। बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम में मैथिली को ही फर्स्ट रैंक मिला है। क्लैप। सिट डाउन। प्रिया, स्टैंड अप। क्या मार्क्स लाई हो? अब की बार भी सबसे कम है। मैथिली से कुछ सीखो। दोबारा यही हाल रहा तो घर भगा दूंगा। इडियट। सिट डाउन। हर बच्चे के घर से मनी ऑर्डर आ गया है और हर किसी ने फीस भर दी है तुम्हें छोड़कर। एक बार घर में फोन करके कहो कि जल्दी से पैसे भेज दे, ठीक है ना? गो। मुझे 500 रुपए उधार चाहिए, दोगी क्या? हाँ, मैं नहीं दूंगी। मेरे डैडी ने कहा है किसी को उधार मत देना। तुम्हारे माँ बाप ने यही शिकायत तुम्हें? बोलो। वो अपमान मुझसे सहा नहीं गया और मैंने मैथिली को जान से मारने की ठानी। मैंने प्लान बनाया। मैंने मैथिली के खाने में जहर मिला दिया, लेकिन मुझे जहर मिलाता देखकर हॉस्टल के बावर्ची ने ये बात सर को बता दी और सर ने पुलिस बुलाकर मुझे बॉस्टन स्कूल में भिजवा दिया। उस बॉस्टन स्कूल में रहते हुए मैथिली के लिए मेरी नफरत दिन ब दिन और बढ़ती गई। वहीं पर जैम से मेरी मुलाकात हुई। मैथिली से बदला लेने के लिए वो मेरी हर तरह से मदद करेगा, ऐसा उसने कहा। और फिर 12 सालों बाद मैं और जेम्स बॉस्टन स्कूल से एक साथ रिहा हो गए। और रिहा होते ही मैथिली को ढूंढते हुए हम हैदराबाद पहुंचे।
वहाँ मुझे पता चला कि तुम्हारी और मैथिली की शादी फिक्स हो गई है। पहली नजर में ही तुम मुझे भा गए थे और प्यार करके तुम्हारे करीब आकर मैंने मैथिली को तुमसे दूर करने की ठानी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, इसलिए मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। और जब जेम्स शादी करने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, तब मुझे तुमसे कुछ दिनों के लिए दूर होना पड़ा और उन्हीं दिनों में तुम दोनों की शादी हो गई। तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं हुई और मैं वहां से निकल पड़ी। सोचा किसी भी तरह तुम्हें लंदन जाने से रोकूं। उस दिन तुम्हें मेरे पीछे आता देखकर मेरे मन में थोड़ी खुशी जागी। मैथिली से नफरत होने की वजह से मैं तुम्हारे करीब आई और तुम्हारे साथ वक्त बिताते बिताते मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया। राज, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ, इसलिए मैंने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया। मुझे तुम्हारी जरूरत है राज, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैथिली को मारकर हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। मुझे तुम्हारी जरूरत है राज, आई वॉन्ट यू। जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती प्रिया, छोटी छोटी बातों को लेकर उसे नाराज नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर इंसान सिर्फ पछताता रहता है। से शादी करेगी कहकर अब तो उस कमीने राज के साथ बहुत चिपक रही है। हाँ क्यों री, अब तुझे मेरी जरूरत खत्म हो गई क्या? मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैथिली, 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 दरवाजा खोलो प्लीज, प्लीज ओपन द डोर। मैथिली मेरी बात सुनो, मैथिली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज मैथिली समझने की कोशिश करो। मैथिली मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। अब तुम्हें क्या चाहिए राज? मुझे तुम्हारी जरूरत है मैथिली, ये तलाक लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हमें एक साथ जिंदगी बितानी है मैथिली, प्लीज। नहीं राज, तुम्हारे दिल में किसी और ने जगह ले ली है, अब हम एक नहीं हो सकते। मेरा यकीन करो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो, मेरी जिंदगी में और दूसरी कोई लड़की नहीं है। ये बताने के लिए मैं प्रिया के पास गया था, प्रिया ने बताया कि तुम उसकी क्लासमेट थी। तुमसे बदला लेने के लिए उसने हम दोनों को अलग करने की साजिश रची, लेकिन मैंने उसे कह दिया मैं मैथिली को नहीं छोड़ सकता। जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, ये सोच सोच कर मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैथिली, मैं जब से तुम्हारे करीब आया हूँ तब से मैंने तुमसे अलग ना होने का फैसला कर लिया है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरा यकीन करो मैथिली, मेरा यकीन करो प्लीज, कम ऑन मैथिली। अब खेल में मजा आएगा। मेरी माशूका तुझसे प्यार करती है और तेरी पत्नी मेरे कब्जे में है। इन दोनों के बीच में मैं तुझे उल्लू का पट्टा दिखता हूँ। हाँ, मेरी माशूका को तुझे गिफ्ट में देकर तेरी पत्नी को मैं उठा कर ले जाऊंगा।
देखा तूने? उसे तुझसे नहीं अपनी पत्नी से प्यार है और तू उसके लिए मरती है। सीधी तरह तू मुझसे शादी कर ले वरना तेरे आशिक को यही जमीन में जिंदा गाड़ कर तुम दोनों का रखेल बनाकर रखूंगा। ऐ मारो साले को। इच्छा अनुसार कोई भी नाम लिखिए इसमें। श्वेता लिखो। रोते नहीं प्रिया, चुप हो जाओ।